गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों, आज आपका इंग्लिश का पेपर था और हमारे सभी प्यारे बच्चों ने इंग्लिश में एकदम दहाड़ करके आए हैं और सभी बच्चों का इंग्लिश का पेपर एकदम शानदार गया हुआ है। और भैया इस सेशन थोड़ा सा लेट करने के पीछे आपको रीजन बता देते हैं, आज दिन भर बनारस में थे और आने में जो है बहुत समय लग गया, सोचे थे टाइम से आ जाएंगे तो आपका सेशन जो है 6-7 बजे दे देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। अभी जस्ट घर पर पहुंच रहे हैं, जैसे घर पर पहुंचे तुरंत कपड़ा चेंज किए क्योंकि जो है दिन भर ट्रेवल करने की वजह से कपड़ा पूरी तरह से गंदा हो गया था, तो तुरंत कपड़ा चेंज किए और टी शर्ट पहने, एक घर वाला टी शर्ट है तो टी शर्ट पहने, तुरंत लाइव सेशन में आगे। लाइव सेशन तो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आपके लिए सोचे कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके दे दें। और लाइव सेशन भी प्यारे बच्चे लगाए गए हैं, 9:30 बजे के आसपास 9:20 पे आपका लाइव सेशन लगा हुआ है सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे, तो आप लोग वहां से लाइव भी जुड़ जाइएगा, इसके तुरंत बाद आपको वहां पर लाइव सेशन में मिलेंगे। तो भैया सभी प्यारे बच्चों का पहले तो आपको जो है खुशी वाली बात बता देते हैं, तो खुशी वाली बात ये है प्यारे बच्चे कि आपका इंग्लिश का पेपर 100% हुबहू मिला हुआ था रिवीजन सीरीज से। कुछ टॉपिक केवल नहीं मिला हुआ था, जैसे कुछ में अनसीन पैसेज नहीं मिला हुआ था, कुछ जो ऐसा टॉपिक था जो नहीं मिला हुआ था, बाकी बच्चे आपका इंग्लिश का फर्स्ट पेपर तो पूरी तरह से मैच किया हुआ था। जो हमने पढ़ाई में थे वही आपका सब कुछ हूबहू जो है आपके जो है बोर्ड परीक्षा के पेपर में आया हुआ है। और जो हमने कम्युनिटी पोस्ट में आपको पोल कराए हुए थे, मींस आपके इंग्लिश में कितने नंबर आएंगे, तो 95+ वाले परसेंटेज करके उसमें 1100-1200 बच्चे ने वोट दिया हुआ है और उसमें 95+ बच्चे कह रहे हैं 65% बच्चे, मतलब 1100 बच्चों में 65% बच्चे कह रहे हैं कि मेरा इंग्लिश में 95+ मार्क्स आएगा। अच्छी बहुत बड़ा जो है संख्या होता है कि इंग्लिश में अगर जो है 1100-1200 बच्चों में 95+ जो है लगभग 65% से ज्यादा बच्चे कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और जो बच्चे मैसेज किए हुए अच्छे, जो बच्चे पहले तो पेड क्लास की बात कर लेते हैं, पेड क्लास के जो बच्चे मैसेज किए हुए हैं जिनका हमने चेक किए हुए हैं, सभी प्याचे पेड क्लास के सभी बच्चे जो है 95+ कह रहे हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि सर 95 के नीचे कोई भी बच्चा पेड क्लास का ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि 95 की मेरा नीचे है, तो सभी प्याचों का 95+ है पेड क्लास के। और बाकी यूट्यूब के भी सभी प्याचे कह रहे हैं कि रिविजन सीरीज से ही सब कुछ आया हुआ था, तो बच्चे ये देख करके बहुत खुशी हुई। हालांकि सेशन तो सोचे थे दिन भर, दिन में एक जो है 2-3 बजे के आसपास सोचे कि बनारस से ही जो है लाइव सेशन कर दें एक जो है, लेकिन जो है इतना भागदौड़ थी जो है, शहर में बहुत ज्यादा काम था और इतना ज्यादा भागदौड़ थी तो आपका सेशन वहां पर नहीं कर पाए, सोचे घर पर। हालांकि सोचे थे टाइम से पहुंच जाएंगे, 5-6 बजे के आसपास जो है प्लानिंग बनाए थे पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाए, पहुंचते 8:30 बज गया, 8:40 पर घर पर पहुंचे हुए हैं, तो उसके बाद जो है आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भैया ये सारी चीजें देख करके बहुत खुशी हुई और ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है, जो आपने पूरे सत्र मेहनत किया हुआ है उसका नतीजा है कितना शानदार आपका जो है पेपर गया हुआ है। और मुझे भी प्यारे जो है ये जानकर की खुशी हुई कि आप सभी बच्चों का इतना जो है शानदार पेपर गया। और जो आपके मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज, टेलीग्राम पे मैसेज, लगभग 500 से 700 बच्चों का मैसेज आ चुका है व्हाट्सएप टेलीग्राम पे और बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, तो प्यारे वो चीजें देख करके बहुत खुशी होती है। मीन्स पूरे सत्र की जो मेहनत होती है ना, जब उसका आउटपुट मिलता है ना और इतना शानदार आउटपुट मिलता है ना, तो एकदम दिल खुश हो जाता है। आज दिन भर जो है बनारस शहर में काम कर रहे थे लेकिन दिल में एक बड़ी खुशी थी, जब मैं बता रही थी कि बच्चों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, तो एक अलग खुशी थी। और हमने भी पेपर देखा, हालांकि ज्यादा भी टाइम नहीं दे पाए हैं, भी आपका सभी पेपर का एनालिसिस नहीं किए हुए हैं, केवल 3-4 पेपर देखे हुए हैं। और जो हमने पेपर देखा बच्चे, एकदम हलवा पेपर आया था, कहीं पर भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं आया था कि जो पढ़ाया ना गया हो, सब कुछ पढ़ाया गया था, ठीक है, तो इसलिए पेपर एकदम हलवा था और बच्चों ने एकदम फाड़ करके पेपर के आए भी हैं। अब पेपर वहां फाड़ने का मतलब ये नहीं है कि पेपर टुकड़ा में कर दिए हैं, मतलब एकदम सब कुछ करके आए हैं।
भैया बहुत खुशी हुई ये पेपर का जो है देख करके, बहुत खुशी हुई। बस अब आप जो है आपका एक पेपर और बचा है सोशल साइंस, सोशल साइंस भी आप लोग अच्छे से दे लीजिए ताकि आपका हाई स्कूल बीत जाए, हाई स्कूल अच्छे अच्छे से सब कुछ हो जाए। तो प्यारे एक बार सभी प्यारे को शुक्रिया, जो बच्चे इंग्लिश में करे 100 out of 100 marks हम लोग हमारा इस बार आएगा। और पिछले सेशन में प्यारे 40 से 45 बच्चों का इंग्लिश में 100 out of 100 marks आया था, और इस बार देखेंगे कि आपका आपके बैच में कितने बच्चों का इंग्लिश में 100 out of 100 marks आता है। तो प्यारे बहुत खुशी हुई आपके पेपर का रिजल्ट देख करके, बहुत खुशी हुई। और कम और जो बच्चे अभी कम्युनिटी पोस्ट में जो है पोल में जो है भाग नहीं लिए, तो आप पोल में भाग ले लेना, उसमें बता देना कि आपके जो है कितने नंबर के ऊपर आपके मार्क्स होंगे। बाकी प्यारे लाइव सेशन आपके भाई आपका जो है तुरंत लाइव सेशन 9:15 या 20 पे लगा हुआ है सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे, तो आप लोग वहां पर आ जाइए, वहां पर आपसे ढेर सारी बातें करते हैं। तो प्यारे यहीं पर सेशन को समाप्त किया जाए। और हाँ, 11th का एडमिशन प्यारे 11th का पेड क्लास का एडमिशन 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 3 मार्च को आपका जो है पेपर सम कंप्लीट होगा, 5 मार्च से आपका 11th का एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो जिन बच्चों को 11th का एडमिशन कराना हो प्यारे, तो 5 मार्च से आप अपना एडमिशन करा लेना। पूरा प्रोसेस वही रहेगा जो आपने पिछले सत्र में आपका पूरा प्रोसेस था एडमिशन का, वही प्रोसेस इस बार भी है। और आपकी फीस भी प्यारे बढ़ाई नहीं जाएगी, फीस भी केवल उतनी ही रहेगी, 499 रुपए ही आपकी फीस रहेगी, उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये मुख्य बात, ये भी मुख्य बात हो गई। तो और हाँ, अपना एडमिशन 5 तारीख के बाद चाहे कभी भी करा लेंगे, लेकिन शुरुआत में करा लीजिएगा, क्योंकि 11th का भी सिलेबस का पैटर्न चेंज हो गया होगा। अभ्यर्थी जो आपका पिछला पैटर्न 11th का था, वो पैटर्न चेंज हो चुका है, अब 11th का आपको नया पैटर्न मिलेगा। और नए पैटर्न में उसमें भी आपको जो है 10th की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तक 11th 12th में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं मिलता है, लेकिन आपकी बैच से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है 11th का भी एकदम शानदार ढंग से पढ़ाई होगी प्यारे। बस आप लोग जो है 3 तारीख वाला परीक्षा देकर के आइए, और 5 तारीख से आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। और जो है 5 तारीख के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से चलेंगी, ये तो 5 तारीख का एडमिशन का भी बता रहे हैं। तो भैया ये जो है मुख्य बात हो गई। बाकी प्यारे आपका बस बस खुशी में कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं कि आपका पेपर इतना शानदार और बेहतरीन गया हुआ है। जो आप लोग का जो है मैसेज देख करके ना एकदम दिल में खुशी हुई है कि बहुत ज्यादा खुशी हुई प्यारे। बाकी और कुछ नहीं कहें, बाकी लाइव सेशन मिलते हैं, आप लोग जो है सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे जुड़ जाइए, उसमें जो है अभी कुछ देर में लाइव सेशन होने वाला है। तो भैया इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं लाइव सेशन में। और बाकी आप लोग जो है सोशल साइंस का पेपर दे लीजिए, उसके बाद फिर एक लाइव सेशन करेंगे, उसमें सभी प्यारे से बात करेंगे, क्लास 10th के बच्चे हों चाहे क्लास 12th के बच्चे हों। तो मिलते हैं प्यारे लाइव सेशन में, मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।